अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो आपको ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए जहां पे मोमेंटम हो, और मोमेंटम कौन से स्टॉक्स में आता है, ऐसे स्टॉक्स जो अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होते हैं या प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन होते हैं, बिकॉज इन स्टॉक्स के अंदर ओपनिंग में ही एफआईआई या बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े ट्रेडर्स इंटरेस्टेड है। और अगर ये स्टॉक्स अपनी ओपनिंग रेंज में कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख सकती है, और हमें ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे एक स्कैनर की हेल्प से। तो चलिए अब हम एक स्कैनर देखते हैं जिसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे गैप अप और गैप डाउन स्टॉक्स को। आपको सिर्फ गूगल पे जाके टाइप करना है स्टॉक्स ओपनिंग बिलो प्रीवियस डे लो और स्टॉक्स ओपनिंग अबव प्रीवियस डे हाई, तो आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जो गैप अप या गैप डाउन ओपन हुए। सबसे पहला स्टॉक है कोल इंडिया लिमिटेड। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये है कोल इंडिया का चार्ट, जैसे ही इसने अपने दिन के हाई और दिन के लो को ब्रेक किया उसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आई ऑन द डाउन साइड। इस तरह आप इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू।